हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पब्लिसिटी के लिए खुशी और विवेक गायब हो गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुशी पंजाबन एंड विवेक चौधरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया से गायब हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे खुशी और विवेक के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कुछ लोग इनके कमेंट सेक्शन में इनके पड़ोसी बन के बात कर रहे थे कि हम इनके पड़ोसी हैं, और हमें पता चला है कि विवेक का अफेयर था, देन बोला गया कि खुशी का अफेयर था। बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी। इसके अलावा इनकी फैमिलीज़ ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, जो कि मैंने आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि इनकी फैमिली में डेथ हो गई है, तो हाँ, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या खुशी और विवेक ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है। पिछले 2 महीने से खुशी और विवेक गायब हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात के चांसेस हैं कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि इनका चैनल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था। अगर आप लोग जाके चेक करो तो खुशी और विवेक की जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उन पर मिलियंस में व्यूज़ आए हैं, लेकिन अब जो रिसेंट की वीडियोज़ हैं उनमें अगर आप देखोगे तो इनके चैनल पर सिर्फ 50-60,000 व्यूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा इनके जो होली वाला व्लॉग है उस पर 2 लाख से प्लस व्यूज़ गए हैं। इसके अलावा रीसेंट वीडियोस में इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले इन्होंने ये भी बोला था कि खुशी और विवेक के जो भी व्लॉग्स वगैरह हैं वो राजा चौधरी वाले चैनल पे आएंगे। इतने टाइम से ये लोग गायब हैं, इसीलिए लोग जानना चाह रहे हैं कि खुशी और विवेक आखिर में गए कहाँ हैं, क्योंकि इनकी फैमिलीज़ भी सोशल मीडिया से गायब हो गई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो खुशी की सिस्टर है और जो विवेक का ब्रदर है सर चौधरी, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो खुशी की सिस्टर है उसने ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे वीडियोज़ वगैरह अपलोड की हैं। इस बात से सीधा इंडिकेशन यही होता है कि इनकी फैमिली में किसी भी तरह का इशू या प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग इनके पड़ोसी बन के बात कर रहे थे कि हम इनके पड़ोसी हैं। उसमें से किसी एक पर्सन ने लिखा था कि खुशी के साथ बहुत मारपीट की गई थी और खुशी को घर से निकाल दिया गया था, उसका फ़ोन भी छीन लिया गया था और खुशी अब अपने मायके में रह रही है। अगर इस मारपीट वाली बात में, घर से निकालने वाली बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो खुशी की बहन सिमरन किसी भी तरह की रील या वीडियोस वगैरह नहीं पोस्ट कर रही होती, क्योंकि अगर किसी के भी बहन के साथ ये होगा तो वो डेली बेसिस पे रील्स या वीडियोस वगैरह नहीं पोस्ट करेगी। इतनी तो ह्यूमैनिटी हर किसी में होती है। एंड अगर खुशी के साथ इतना सब कुछ हुआ भी होता तो वो कभी भी चुप नहीं रहती, एंड ना ही कोई और चुप रहेगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद आज छोटी छोटी सी बातों में भी लोग चुप नहीं रहते हैं, तो इतनी बड़ी बात होने के बाद इतने लंबे समय तक कोई चुप कैसे रह सकता है। इन सभी चीज़ों से ये क्लियर होता है कि खुशी और विवेक की ये प्री प्लान स्ट्रेटजी है ताकि इनके चैनल पे व्यूज़ आए, ताकि इनके बारे में बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में लोग बात करें, वीडियोस बनाएं। मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आके बोलने लग जाते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सब कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ, जो भी सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, बोला जा रहा है, मैं वो सब कुछ आपको बता रही हूँ। सोशल मीडिया पे जो बातें जैसी चलती हैं मैंने एज इट इज़ आप लोगों को आके बताई हैं। दैट डजेंट मीन कि ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ या मैंने किसी की साइड ली है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं इनकी साइड लेती हूँ या मैं किसी और की साइड लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी वन साइडेड वीडियोज़ देखी होंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि वन साइडेड वीडियोज़ किस तरह की होती हैं। सो गाइज, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, गॉसिप्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।